कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेलुएट करना है इसको. तो 3/4 टू द पावर 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर है. तो 3/4 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे दोनों केस में बेस हमारे डिफरेंट है. अगर बेस सेम होता तो हम लोग, अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो पावर्स को ऐड करते, अगर डिविजन होता तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन दोनों केस में बेस हमारे डिफरेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके फिर मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे. जहाँ पर कैंसिलेशन करना है वैसे करेंगे और आंसर लिखेंगे. तो 3/4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 2/3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. अभी कैंसिलेशन करेंगे, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 3/3 और 2 और 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अभी हमारा क्या बचता है, 3 ऊपर में 3 इंटू 1 इंटू 1 3 बाय 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, तो 3/16 हमारा आंसर होता है. तो ये हमारा आंसर है. यहाँ पर 1/3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/3 टू द पावर 5. तो यहाँ पर देखिए बेस दोनों केस में सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 टू द पावर 6 माइनस 5 करेंगे, क्योंकि डिविजन है इसलिए पावर्स हमारा माइनस होता है, डिवाइडेड बाय 1/3. यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, मतलब 1/3 टू द पावर 1. तो ये हमारा 1/3 टू द पावर 1 हुआ, डिवाइडेड बाय 1/3 टू द पावर 1. तो दोनों का पावर देखिए सेम है, तो दोनों को डिवाइड करने से हमें आंसर 1 मिलता है. अब ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज इस स्टेप में ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं. तो ये हमारा 1/3 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 1/3 इक्वल टू 1/3 टू द पावर 1, मतलब 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 टू द पावर 1, मतलब 1/3. तो 1/3 डिवाइड बाय 1/3, तो इसका भी आंसर 1. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इस स्टेप के बाद इस वे में भी कर सकते हैं. ये नेक्स्ट है. तो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 8. तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, इसलिए पावर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए पावर्स को ऐड कर सकते हैं. 2 टू द पावर 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 8. तो 2 टू द पावर 4 प्लस 5 यानी 2 टू द पावर 9 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 8. अभी डिविजन है, दोनों के बेस सेम है, इसलिए हम लोग 2 टू द पावर पावर्स को, क्योंकि डिविजन है पावर्स को, हम लोग माइनस करें, 9 माइनस 8 इक्वल 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2. तो ये हमारा आंसर है. ये नेक्स्ट है, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/7 का स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर हमारा 16 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिवाइडेड बाय 1/7 का स्क्वायर. तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 9 7 डिवाइडेड बाय 1/7 का स्क्वायर. तो आप इजी करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर इक्वल टू 7 का यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ 7 है, मतलब इसका पावर 1 है, क्योंकि दोनों के बेस सेम है और पावर्स को ऐड कर सकते हैं. 7 टू द पावर 1 प्लस 2, 7 टू द पावर 1 प्लस 2 और 1 स्क्वायर, मतलब ये 1 होता है. तो ये 7 टू द पावर 3 हो जाएगा, बाय 1 हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, बस ऊपर को ही सॉल्व कर देंगे. तो 7 का क्यूब यानी कि 7 इंटू 7 49 इंटू 7 343. तो देखिए 49, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 आपको पता है 49, तो 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 3 रखे 6, 7 4 जा 28 प्लस 6 34, तो 343. तो ये हमारा आंसर है. तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ख़त्म होता है. ऐसे हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए.